हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक केज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो ग्लेज केक। इस वीडियो में सबसे पहले हम मैंगो केक बनाएंगे, उसके बाद मैंगो ग्लेज बनाकर इसे डेकोरेट करेंगे। तो आइए अब हम इसे बनाने की रेसिपी देखते हैं। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पका हुआ और मीठा आम लेंगे। इसे हम दोनों साइड से कट करेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से क्यूब्स में कट करेंगे। अब हम इसे एक स्पून की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। मैंगो को क्यूब्स में कट करना काफ़ी इजी है। अब हम एक आम के पल्प को मिक्सर के जार में डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या मेल्टेड बटर। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के अप्रॉक्स दही। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि दही फ्रेश होना चाहिए। अब हम इन सभी को ब्लेंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और ये मैंने मैंगो पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम लेंगे 1 कप मैदा, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे केक काफ़ी अच्छा राइज करता है। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प। इसे हमें चलाकर अच्छे से मिक्स करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम 1/2 कप दूध लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। यहाँ हमें इस बैटर को बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा वेनिला एसेंस और 2-3 ड्रॉप येलो फूड कलर। ये प्योरली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ को डालने के बाद हम बैटर को वापस से मिक्स करेंगे। अब केक के लिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक केक मोल्ड लेंगे और इसे घी या ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमें इसके अंदर वाले पार्ट्स को अच्छे से ग्रीस करना है, ताकि ये कहीं से भी चिपके नहीं। अगर आप मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो आपको बटर पेपर या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केक काफ़ी आसानी से बाहर आ जाता है। मोल्ड में अब हम बैटर डालेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें मोल्ड में 50% ही बैटर डालना है, ताकि इसे राइज होने के लिए स्पेस मिल सके। अब हम मोल्ड को 2-3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि बैटर अच्छे से सेट हो जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे थाली से ढककर प्री हीट करेंगे। यहाँ मैंने इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए प्री हीट किया है। जब कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो जाए तो हम स्टैंड में केक मोल्ड को अच्छे से प्लेस करेंगे। अब हम इसे किसी थाली या लीड से अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। केक बेक होने की टाइमिंग केक के साइज़ के अकॉर्डिंग डिफ़र कर सकती है। 35 मिनट्स हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। ये काफ़ी अच्छे से राइज किया है और अपने हाइट से अप्रॉक्स डबल हो चुका है। अब हम इसमें एक टूथपिक डालकर चेक करेंगे। ये बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है कि केक परफेक्टली बेक हो चुका है। अगर आपके टूथपिक में थोड़ा सा भी बैटर लगता है तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर लें। अब हम केक को कढ़ाई से निकाल कर थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे डीमोल्ड करने के लिए बस आप मोल्ड को पीछे टर्न करें और इसे पीछे से 2-3 बार टैप करें। ग्रीसिंग की वजह से ये काफ़ी आसानी से बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं हमारा केक कितने अच्छे से डीमोल्ड हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी है। तो ये हमारा मैंगो केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम मैंगो ग्लेज बनाएंगे। मैंगो ग्लेज बनाने के लिए हम एक जार में 1 मैंगो का पल्प लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। हम इसे ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंगो ग्लेज बनाने के लिए हम 1/4 कप पानी लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को चलाकर हमें अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने अभी गैस के फ्लेम को ऑन नहीं किया है। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मैंगो पल्प और कॉर्नफ्लोर दोनों को हम चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ और ग्लॉसी हो जाता है। और अब हमारा ग्लेज बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा मैंगो ग्लेज ठंडा हो चुका है। ये देखने में भी काफ़ी ग्लॉसी लग रहा है। अब हम ग्लेज को मैंगो केक के ऊपर डालेंगे। इसे हम ऊपर से अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसके साइड्स में भी अच्छे से लगाएंगे। और ये हमारा मैंगो ग्लेज केक बिल्कुल रेडी है। इसे हम फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ग्लेज अच्छे से सेट हो जाए।
10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ग्लेज अच्छे से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद इसे नाइफ से थोड़ा सा और स्मूथ कर लें। अब हम केक को उठाकर दूसरे प्लेट में रखेंगे और इसे डेकोरेट करेंगे। हम इसके सेंटर पर डालेंगे थोड़े से चॉप्ड मैंगो क्यूब्स, 2-3 पीस चेरी ताकि ये थोड़ा कलरफुल लगे, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स। और ये हमारा मैंगो ग्लेज केक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, इसे बनाना काफ़ी सिंपल है। तो आप भी मेरी इस मैंगो ग्लेज केक की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इजी रेसिपीज देखते रहने के लिए 21 किचन को सब्सक्राइब करें।